हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुजानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने तीन विशालकाय अजगर सड़क पर देखे। देखने वालों के तो होश ही उड़ गए। इनमें से एक की लंबाई 13 फीट, दूसरे की 7 और तीसरे की करीब 9 फीट है। हालांकि तीनों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। ये अजगर सुजानपुर के दूर दराज गाँव गंदड़ में देखे गए। लोग अभी भी दहशत में हैं। लोगों ने स्नेक मैन या स्नेक सेवर के नाम से मशहूर आलमपुर निवासी माथुर धीमान को बुलाया। माथुर धीमान भी बिना वक्त गवाए डिप्टी रेंजर मनजीत सिंह राणा के साथ संबंधित जगह पर पहुंचे तो एक जगह पर तीनों अजगर दिखाई दिए, लेकिन लोगों को देखकर तीनों एक बिल में घुस गए। इसके बाद तीनों को पकड़ने के प्रयास शुरू हुए। माथुर धीमान ने अपने सहयोगियों की मदद से तीनों रॉक पाइथन को जैसे तैसे बिल से बाहर निकाल कर पकड़ा और उन्हें रेस्क्यू करके आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया। तीनों अजगर बेहद शक्तिशाली थे। धीमान ने बताया कि अजगर जंगली जानवरों लोमड़ी बंदर व कुत्ते आदि का शिकार करते हैं। वे अपनी मांसपेशियों में जकड़कर अपने शिकार का दम घोंट देते हैं। उसके बाद वो अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाते हैं। एक हृष्टपुष्ट आदमी भी इनके पकड़ में आ जाए तो उसका भी शिकार कर सकते हैं। ऐसे में अजगर को देखते ही दूर भाग जाना चाहिए। तो गांव में घूम रही थी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसके साथ रास्ता है, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहां से जाते हैं, तो इनको भय बना हुआ था। उस भय को आज जो है वो हम सबके सहयोग से जो है इसको मुक्त किया। उस जगह पहुंचाएंगे जहां आबादी जो वो आबादी से इसको कोसों दूर कर देंगे ताकि इंसानों को भी इसका डर ना रहे और इसको भी इंसानों का डर ना रहे। साथियों, अगर समय पर नहीं आते तो फिर या तो ये किसी की बड़ी घटना घट सकती थी या फिर इसको जान से मार देते। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।